तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मंगाया था एक इन्वर्टर, मिनी इन्वर्टर की प्लेट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये 55 वाट की है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसफार्मर है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम 12012 का नया ट्रांसफार्मर लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है। तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, तो हम इसमें लगा के देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी हैं 12012 के ट्रांसफार्मर से बना देते हैं एक इन्वर्टर की प्लेट। तो देखेंगे आज हम कि वर्किंग करता है कि नहीं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हम ट्रांसफार्मर को इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि उसमें 12012 के ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर बना देते हैं और दिखा देते हैं कि आपकी टीवी चलेगी, फ्रिज चलेगी, सभी चलेगी, आपको दिखा देते हैं। वहाँ पे आपको सरासर बकचोद बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आज चेक करेंगे कि चलती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा 3 तार है, तो यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफार्मर का 3 तार था वहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे डाल डाल के हम कनेक्शन इसका कर लेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हम कनेक्शन अच्छी तरह से कर लेंगे। तो जो हमारा कॉमन है इसको हम बीच में लगा के कनेक्शन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ। और एक बार दे दूँ दोस्तों कि अगर आपको इसमें जानकारी मिले तो हमें कमेंट में बताइएगा कि मैंने अच्छी जानकारी दी है ख़राब। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको सोल्डिंग कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है और ये जो हमारी प्लेट है, तो ये मैच नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी प्लेट है दोस्तों, तो ये हमारी प्लेट 12 वोल्ट से एक्टिव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलने लगती है, तो 12 वोल्ट से चलने लगती है। और 12012 का ट्रांसफार्मर भी हमारा 12 वोल्ट प्रोड्यूस करता है जब एसी करंट पाता है। तो जाहिर सी बात है हमारी ये जो सर्किट है वो चलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एसी करंट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका एसी करंट हम एसी करंट वाले की तरफ लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें लगा देंगे। तो ये जो हमारा प्लेट है ये 55 वाट की है, तो ये हमारे ट्रांसफार्मर को चला सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें लगा के देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं। तो हम इसको लगा देता हूँ। और मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है जो हमने निकाला है उसको आपको फेंकना नहीं है, ये केवल एक्सपेरिमेंट के लिए है। आप ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी पीसीबी ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट की वायर जोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई होती है उसमें हमने रेड वायर को प्लस में जोड़ दिया है, ब्लैक वायर को निगेटिव में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। तो चलिए मैं इसमें पेस्ट लगा के इसका सोल्डिंग भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो इसकी सोल्डिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो इसकी आउटपुट होता है दोस्तों, आउटपुट जिसका 220 वोल्ट से आउटपुट निकलता है एसी, तो उसको अभी हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी हम इसमें ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा वायर जो हो जाएगा तो ये आउटपुट का हो जाएगा और 12 वोल्ट वाला हमारा इनपुट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, तो ये बहुत चीज़ तो नहीं चला सकता है दोस्तों, आपकी टीवी एलईडी टीवी को चला सकता है दोस्तों, इसमें इतनी ताकत है कि एलईडी टीवी को कॉपरेट कर देगा। तो हमारे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो चलिए मैं इसमें इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यार देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें आउटपुट आता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये वोल्टेज दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो पहले हम सबसे पहले इसको हम मल्टीमीटर को एसी करंट में सेट करके फिर वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा है क्योंकि एसी करंट है और हमारा एलिमीटर है जो
और इसमें जो है तो डीसी करंट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो तो इसमें डीसी करंट निकलता है, नहीं तो एसी करंट निकला होता तो एक तार मैंने पकड़ा तो हमें शॉक लग सकता था। तो यहाँ पे जो हमारा डीसी करंट आ रहा है इसीलिए जो हमारा मल्टीमीटर है वो रीडिंग नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको डीसी में सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डीसी 1000 वोल्ट पर सेट कर दिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा मल्टीमीटर करंट देता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा मल्टीमीटर जो है तो 400 वोल्ट दिखा रहा है, तो हमारा एलिमीटर 400 वोल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।